कि जब हम खुद एक तकलीफ भरी स्थिति का सामना करते हैं तो दूसरों की तकलीफ भी समझते हैं। यहाँ हम आपको आपके हमारे बीच बताने वाले हैं कैसे ही एक्टर के बारे में जिन्होंने गंभीर इस वक्त की सबसे तकलीफ देह बीमारी, घातक बीमारी, लाइलाज बीमारी, कोरोना को हराने के बाद, कोरोना का दर्द सहने के बाद, इस बीमारी को जड़ से अपने शरीर से बाहर करने के बाद, इलाज कराने के बाद, इस बीमारी से छुट्टी पाने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर हीरो बनकर असल में हीरो वाला काम कर दिखाया है। जी हाँ, प्लाज्मा दान करने के एक महीने बाद फिर से उन्होंने अपना प्लाज्मा दान किया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉम हैंक्स के बारे में, जिनकी पत्नी अभिनेत्री गायिका रीटा विल्सन को भी कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। दोनों ऑस्ट्रेलिया में थे, काफ़ी बीमार थे और फिर उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उन्होंने ये बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोनों उम्र काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद इस बीमारी से लड़ने में सक्षम रहे, अपनी स्थिति सही कर सही से हर एक नियम का पालन करते हुए, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जिसके कारण टॉम हैंक्स से जुड़ी ये खबरें काफ़ी चर्चा में हैं। उन्होंने लिखा, प्लाज्मेटिक ऑन 3, 1, 2, 3 प्लाज्मेटिक। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर उन्होंने इससे जुड़ी पोस्ट शेयर की है। जी हाँ, अब जाकर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।